हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम वर्गमूल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इन प्रश्नों को जल्दी से कैसे करें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्रश्न है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 ब्रैकेट का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे 3 की पावर 38 यहाँ पे है और 39 यहाँ पे है, तो इसमें से हम 3 की पावर 38 कॉमन ले सकते हैं। और जब अंदर से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 यहाँ पे बचेगा, इस 38 की जगह पे 3 की पावर 38 की जगह पे 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पे 38 कॉमन होगा 3 की पावर 39 से, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 1। उसके बाद ये हो जाएगा 3 की पावर 38 गुणा, और ये 1 और ये 3 जुड़ के हो जाएगा 4। फिर देखना है यहाँ पे पूछ क्या रहा है, का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल पूछ रहा है मतलब स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो इनके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट का साइन। तो 3 की पावर 38 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 की पावर 19 गुणा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो देख लेते हैं ये वाला आंसर किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, 2 गुणे 3 की पावर 19, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देख लेते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न भी उसी तरह का है, 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। इसमें भी हमें इनका वर्गमूल निकालना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, हमने बताया था कि इसमें से जो 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 है, तो जो पहले वाला होता है वो वाला कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3 की पावर 34, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 34 गुणा 4। अब इनका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इनके ऊपर वर्गमूल का साइन लगाएंगे, तो ये 3 की पावर 34 का वर्गमूल होगा 3 की पावर 17 और ये 4 का वर्गमूल होगा 2। तो 2 गुणे 3 की पावर 17 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को अब ऐसे प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो उसे कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ये नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर रूल लगा हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हमें इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो इतने बड़े नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर छोटे नंबर होते हैं तो उनका वर्गमूल हमें पता होता है और आसानी से निकाल लेते हैं, बट बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनका वर्गमूल निकालने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए कोई ट्रिक होनी चाहिए, तो इसकी मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कोई बड़ा सा बड़ा नंबर का वर्गमूल आप आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनके जो लास्ट की 2 डिजिट है इनको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे जो ये लास्ट में लिखा हुआ है 9 इकाई अंक किस किस नंबर का वर्गमूल करने से आ सकता है। तो हम जानते हैं अगर 3 का वर्गमूल कर दें तो 9 आ सकता है, या फिर 7 का वर्गमूल कर दें तब 9 आ सकता है। बट हमें किन नंबर तक देखना है, हमें 10 से पहले नंबर का देखना है, ठीक है, कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे 9 इकाई अंक आ सकता है। तो हमने देखा अगर 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाएगा, और अगर 7 का स्क्वायर कर दें तब भी 9 आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है ये जो 372 बचा हुआ है, ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच आता है, किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच आता है। तो अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो आ जाता है 400, मतलब 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो ये 372 जो है ये 361 और 400 के बीच का नंबर है, ठीक है। फिर इसमें से हम छोटा वाला ले लेंगे, फिर इस नंबर को हम इसके अगले वाले नंबर से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 2 9 18, 2 1 2 और 1 3, 380 ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये 19 हम लिख लेंगे, और ये 372 380 से छोटा है, तो यहाँ पर हम छोटे वाला नंबर ले लेंगे 3। अगर बड़ा होता
अगर ये 372 यहाँ वाले नंबर से बड़ा होता तो हम बड़ा वाला नंबर ले लेते। 372 जो है 300 से छोटा है तो हमने ये नंबर ले लिया और यही हमारा आंसर होगा। अब चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में ये आंसर है, तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हम अगले प्रश्न में और अच्छे से समझेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। 25,281 का मान क्या होगा, इस पे स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, तो मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि लास्ट के दो डिजिट अलग कर लीजिए, फिर यहाँ पे देखना है कि जो ये 1 है ये किन नंबर का स्क्वायर करने पे आ सकता है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 आ सकता है, और अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तब भी 1 आ सकता है। उसके बाद ये जो 252 है, 252 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो हम देख सकते हैं 252 जो है 256 और 225 के बीच का नंबर है, और यहां से हम छोटा वाला नंबर यहां पे लिख लेंगे, छोटा वाला है 15, और इसके अगले नंबर से इसको गुणा कर देंगे। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 240। उसके बाद ये छोटा वाला नंबर है यानी 15 यहाँ पे हम लिख लेंगे और इनकी तुलना करेंगे कि 252 240 से छोटा है या बड़ा है। 252 240 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो यहाँ से हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ पे नंबर आया था तो इस नंबर से छोटा था, तो यहाँ से हमने छोटा वाला लिया था, वही आंसर था। यहाँ पे हम देखा हमने कि ये बड़ा है तो हमने बड़ा वाला नंबर लिया और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्गमूल से संबंधित प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उन्हें कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।